लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत बार हमें रिजल्ट इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, हम अपने मन में उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव विचार लेकर आने की कोशिश करते हैं तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें जिन चीज़ों के लिए उन्हें अपने पास होने पर अच्छा महसूस करना चाहिए, हम उसकी जगह पर उसके लिए नेगेटिव महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं अभी के लिए बोलूँ कि आप एक बड़ा अमाउंट जो पैसे का चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे विजुलाइज़ करो कि वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुका है इसी पल में, वो मे बी 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, तो उस अमाउंट को देखते ही हमें अपने अंदर से घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत बार हम पैसे के प्रति बहुत नेगेटिव इमोशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये डाउट आ जाता है कि क्या ये चीज़ पूरी हो जाएगी, क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी, क्या मैं डिजर्विंग हूँ। जब इस तरह के नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हम यूनिवर्स तक सही फीलिंग पहुँचा नहीं पाते। उसी चीज़ को ठीक करने के लिए आज मैं आपको नेविल गुडार्ड की एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप उसे हर दिन अपनी रूटीन में मर्ज कर लेते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसके सामने आप उस एफर्मेशन को जोड़ देते हैं तो आपके अंदर से जो फीलिंग है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी और उसी पॉजिटिव फीलिंग की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैजिक क्रिएट करोगे। इतना ही नहीं, आप नॉर्मल अपनी जितनी भी एफर्मेशन हैं उनके सामने भी इस एफर्मेशन को जोड़ सकते हो। ये आपकी फीलिंग को, जो एक नेगेटिव फीलिंग होती है नॉर्मली अपनी एफर्मेशन को बोलने के टाइम पे, उसे चेंज करके ये आपको पॉजिटिव फीलिंग्स फील करवाएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन फिर ज़रूर पूरी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये एफर्मेशन क्या है, आपको इसका बिलीफ आपके ऊपर और स्ट्रांग हो जाए, आपको इसकी रियल लाइफ स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ जो नेविल गुडार्ड की बुक द लॉ एंड द प्रॉमिस में से है। एक 55 ईयर ओल्ड लेडी की ये स्टोरी है जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी जो नॉर्मल ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करेंगी और कौन उनकी मदद करेगा। तो एक बार अचानक से उनको नेविल गुडार्ड के लेक्चर्स के बारे में पता चला कि वो इस तरह लेक्चर्स देते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में दूसरों को बताते हैं, और वो उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए गई। जब वहाँ पे वो लेक्चर अटेंड कर रही थी तो नेविल गुडार्ड ने इस एफर्मेशन के बारे में उन सभी को बताया जितने भी उस लेक्चर को सुनने के लिए आए हुए थे। तब उस लेडी ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस एफर्मेशन को यूज़ करके देखूँ। तो उसने सबसे पहले घर जाके उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई जो वो सच में अपनी लाइफ में चाहती थी, जैसे गाड़ी, घर, बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल। तो वो जितनी सारी चीज़ें थी उसकी, जितनी ज़रूरतें थी, उसने सारी लिखी। लेकिन जब उसने उन सभी को लिखा तो उसे बड़ी घबराहट महसूस होने स्टार्ट होगी, बहुत नेगेटिव फील करना शुरू हो गया उसके अंदर क्योंकि वो चीज़ें अपनी लाइफ में अभी उनकी कमी को महसूस कर रही थी। तो फिर उसने नेविल गुडार्ड की उस एफर्मेशन को इन सारी अपनी सारी उन ज़रूरतों के सामने में एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसने ऐसा 2 महीने तक किया कि उसने उस एफर्मेशन को, नेविल गुडार्ड की उस एफर्मेशन को 2 महीने लगातार विजुलाइज़ किया। जस्ट सोने से पहले दिन भर भी उसको प्रैक्टिस करती थी। तो 2 महीने के बाद उसे एक अपने बहुत ही पुराने दोस्त का कॉल आया जो कि अब बहुत वेल्दी हो चुका था और उसने डिसाइड किया कि वो जब तक लेडी ज़िंदा है तब तक वो अपनी इस दोस्त को एक फिक्स्ड इनकम भेजता रहेगा चेक्स के फॉर्म में। और सबसे पहला चेक उसने $25,000 का उस लेडी के नाम काटा। तो उस लेडी ने किस तरह से एफर्टलेसली मैनिफेस्ट किया इस एफर्मेशन के यूज़ से, प्रॉपर सही तरह से यूज़ किया उसने और विजुलाइज़ करने, अपनी सारी विशेज़ को विजुलाइज़ किया और इसी वजह से उसने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया कि वो जब तक ज़िंदा रहेगी तब तक उसकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखा जाएगा, उसकी जितनी इच्छाएं हैं उनको भी पूरा किया जाएगा उसी के दोस्त के द्वारा। और वो हर महीने जब तक वो ज़िंदा थी उसे वो चेक देने के लिए खुद से ही आगे से सामने से आया था। तो क्या ये बहुत ही बड़ा मैजिक नहीं है कि अगर एक एफर्मेशन आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखती है तो हमें उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एफर्मेशन क्या है। ये एफर्मेशन है इज़न्ट इट वंडरफुल। अगर आपको इंग्लिश में बोल के फीलिंग ना फील हो, आपने सिर्फ वर्ड्स के ही ऊपर फोकस नहीं करना है। वंडरफुल जब हम बोलते हैं तो हम अद्भुत बोलते हैं और हमें उस इमोशन को भी साथ में फील करना होता है। तो आप जब इसको चाहो तो हिंदी में भी बोल सकते हैं कि क्या ये वंडरफुल नहीं है, क्या ये अमेजिंग नहीं है, क्या ये अद्भुत नहीं है। इज इट वंडरफुल कि मेरे पास जितना पैसा मुझे चाहिए था वो ऑलरेडी आ चुका है। इज इट वंडरफुल कि मैं एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही हूँ अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ। इज इट वंडरफुल कि भगवान ने मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है। इज इट वंडरफुल कि मेरे पास
जीने के लिए पर्याप्त सारे साधन हैं, मुझे जितनी ज़रूरतें थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं और जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो रही हैं, मेरे पास इतना पैसा है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ मैजिकल, कुछ ना कुछ अमेजिंग होता जा रहा है। इज़न्ट इट वंडरफुल, जब आप इस तरह से इस एफर्मेशन को अपनी नॉर्मल रूटीन की एफर्मेशन के साथ मर्ज करके बोलोगे, आप अभी चाहे मेरे साथ बोल के देख लेना, आपको एक अंदर से आपके हार्ट चक्र से एक फीलिंग का इमोशन फील होगा और वही फीलिंग बहुत ज़रूरी है क्रिएट करने के लिए अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है। तो आप इस एफर्मेशन को हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करो ताकि आपकी जितनी भी एफर्मेशन, जितनी भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी टेक्निक यूज़ करते हो, उस टाइम पे आप प्रॉपर फीलिंग को फील कर पाओ और वो यूनिवर्स तक पहुँचे और आपकी मैनिफेस्ट एफर्टलेसली पूरी हो सके। एंड आई होप आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे।